नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। न्यूज़ 18 के इस एडिटर पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटों पर मतदान हुआ है, आखिरकार रुझान किस तरफ है, क्या हो सकता है। नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जानने की, समझने की कोशिश की कुछ ऐसे बड़े पत्रकारों के साथ जिनका पूरे प्रदेश में आना जाना रहता है, उनका एक अपना नेटवर्क है, उनका एक अपना ऑब्जर्वेशन है, सालों का अनुभव है। तो वो अनुभव दरअसल कहता क्या है, 4 तारीख से पहले हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर और ख़ासकर हॉट सीट पर, जिन पर ज़्यादा चर्चा हुई है, वहाँ क्या रुझान हो सकते हैं, वहाँ क्या नतीजे निकल सकते हैं, और नतीजे निकलते हैं तो उस नतीजे के पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, ख़ास हमारे साथ मेहमान हैं, उन मेहमानों का तारुफ भी करा देता हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन सारे से हम बात करेंगे और छत्तीसगढ़ की नब्ज़ को टटोलने की कोशिश करेंगे कि दरअसल छत्तीसगढ़ में जनता का मूड क्या था। कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसमें क्या मूड रहा सबको पता रहा, लेकिन क्या लोकसभा में भी वही ट्रेंड होगा। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। रवि जी, पहला सवाल आपसे ही करूंगा, विधानसभा का चुनाव कुछ महीने पहले हुआ और क्या उसमें जनता का मूड सबको दिखा, क्या लोकसभा में उससे इतर कुछ आपको लग रहा है कि हो सकता है जनता उसी के साथ जा सकती है, किस तरीका का ये चुनाव आपने देखा? देखिए, विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग थे और माहौल अलग था, लोकसभा में अलग माहौल है। लोकसभा में एक जो मतदाता काफ़ी साइलेंट दिख रहा है, और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दे पे कितना लोग वोट देते हैं। इस बार देखिए छत्तीसगढ़ में वोट परसेंटेज कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा है कहीं कहीं, तो निश्चित तौर से इस बार जो मतदाता साइलेंट थे उसका क्या रिजल्ट होता है, किधर जाते हैं और किस तरह से वोटिंग करते हैं, ये बड़ा संशय की स्थिति छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर यहाँ पर लोगों में उत्साह था, रहा, जनता मोदी के नाम पर वोटिंग की है, और मुद्दे भी कहीं कहीं लोकल मुद्दे इस बार काम नहीं किए, राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहे, इसलिए यदि मोदी के नाम पर वोटिंग होती है तो इस बार रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि 11 से 11 सीटें या 10 कम से कम सीटें जो हो सकती है उसके पक्ष में। बिल्कुल शशांक जी, आपके पास आऊँगा। 11 सीटों की चर्चा, और 11 में से सबसे ज़्यादा चर्चा जो इस चुनाव में हुई है राजनांदगांव सीट की। सिर्फ प्रदेश नहीं, देश भर से भी लोग हमसे कॉल करते थे और पूछते थे राजनांदगांव का क्या होगा ये बताइए, तो मैं आपसे ही वही पूछता हूँ कि क्या होगा बताइए। देखिए, राजनांदगांव एक बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है, और वो मुकाबला अगर आप देखेंगे तो कई कोणी, बहुकोणी, दो उम्मीदवार, पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब वर्तमान सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एकदम चिर प्रतिद्वंदी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी क्षेत्र है जी। और जो सबसे हॉट सीट है अगर देखे जाए तो वो कवर्धा है, जहाँ से इस सरकार में एक उप मुख्यमंत्री है। तो इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखेंगे तो उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान है, वर्तमान के सांसद हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ये तीनों की साख भारतीय जनता पार्टी की ओर से दांव पे लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ का मुकाबला बहुत कड़ा रहा है। लेकिन परिणाम तो जनता ने तय कर दिया है। लोग कहते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट तो कैद हो चुका है, इसकी घोषणा होनी ही बाकी है, वो मुझे लगता है कि 4 तारीख को इस समय लगभग स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो समीकरण मैं वहाँ घूमा हूँ उससे मुझे लगा 2-3 फैक्टर्स बहुत क्लियर थे। पहला ये कि ये चुनाव स्थानीय तो था ही, ये राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि ये एक मैच्योर्ड लोकतंत्र जो है जो भारत के अंदर में इस्टेब्लिश हुई है, जो 90 के दशक के बाद की देखता हूँ, उदारीकरण ने भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत किया है, क्योंकि मीडिया और संचार माध्यमों का प्रसार हुआ। तो पहले होता था कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार बनती थी और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार बनती थी, लेकिन अब ये मामला सब पलट गया है, और हमने 2018 और 19 में बहुत अच्छे से देखा है कि 4 महीने पहले जिस पार्टी को 68 सीटें देकर जनता ने जीत दिलाई, 4 महीने बाद उसके 15 सीट पाने वाली पार्टी को 67 सीट दिला दी। तो मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की ताकत मुझे मजबूत दिख रही। दूसरी बात जो है
भूपेश बघेल जी जो थे जो वहाँ जाकर चुनाव लड़े और जिस समीकरण को साधने के हिसाब से उन लोगों ने मेहनत की वहाँ पर, मैंने जो ज़मीन पर देखा, मैंने देखा कि वो रणनीति, वो समीकरण उनके काम नहीं आए। तो इस दृष्टि से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जो है वहाँ पर काफ़ी मजबूत है। लोग अभी भी कहते हैं कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन आप याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ मुझे बेहतर नज़र आ रही है। रामोदर जी, एक और सीट की जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी, जिसमें दोनों महिलाएं दावेदार थी, दीदी वर्सेज भाभी भी कहा गया उसको, सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत, कोरबा सीट को लेकर आपको क्या लगता है कि हालांकि कई बार कोरबा सरप्राइज देता रहा है, लेकिन इस बार कैसा मुकाबला दिखाया है, हॉट सीट में गिना जा रहा है उसको? इस बार भी कोरबा में रोचक मुकाबला है। वो इसलिए है कि एक तरफ कोरबा चरणदास महान जी का क्षेत्र है, पिछले बार लहर में भी वो चुनाव जीते थे, अभी भी कांग्रेस और भाजपा की स्थिति 19-20 है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय नेत्री लड़ रही हैं सरोज पांडे। एक तरह से पहले भी कई बार भाजपा को वहां मेहनत करना पड़ा है, मेहनत की भाजपा के लिए कोई आसान सीट नहीं है, एक कठिन चुनौती वाली सीट सरोज पांडे को दी गई है। ऐसे में सरोज पांडे ने बड़ी अच्छी रणनीति के साथ वहां चुनाव लड़ा है और वहां पर वोटों के जो समीकरण है उसमें आदिवासी वोट जो सबसे ज्यादा फैक्टर रहते हैं, वो आदिवासी वोट किधर जाते हैं, एक ये पेंड्रा बेल्ट की बात कर रहे हैं ज्यादातर। नहीं, उसमें आदिवासी चार सीट हैं, एक ने चार सीट हैं आदिवासी विधानसभा वाइज, जिसमें पिछले बार के जो भाजपा प्रत्याशी थे वो चार जगह लीड किए थे, जो दो जगह जो मारवाही और एक और रामपुर तानाखार में इतना ज्यादा लीड मिला कांग्रेस को कि कांग्रेस प्रत्याशी मामूली वोट से जीत गए। आपको बीच में रोक रहा हूँ, अजीत जोगी पिछली बार थे, इस बार नहीं, क्या इसका असर मारवाही सीट पर कुछ पड़ेगा? पड़ सकता है मारवाही सीट में, क्योंकि मारवाही सीट में दोनों पार्टियों ने मेहनत की है और अच्छी मेहनत की है। इस बार तो वो भाजपा को लग रहा है जो आदिवासी वोटर हैं वो उनके साथ रहेंगे, इसलिए अपेक्षाकृत ये सीट फायदे में मिल सकता है, ऐसा एक अनुमान है। दूसरी तरफ वहां पर स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। दूसरी तरफ भाजपा के लोग भी जो है वो ज्यादा खुश प्रत्याशी को लेकर नहीं थे, स्थानीय प्रत्याशी लेकर, फिर भी इन सब चीजों से अलग हटकर, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व का उन सीटों पर नजर रहा था, तो प्रबंधन भाजपा का, संगठन का प्रबंधन और संसाधनों के साथ वो चुनाव लड़ा गया है बेहद। ऐसे में कितना कारगर साबित होंगे महंत जी, ये चुनौतीपूर्ण रहेगा और इसमें मुझे लगता है कि भाजपा वहां पर मजबूत रहेगी। ठीक बात है, प्रबंधन बेहतर रहा। उचित जी, कांकेर सीट को भी बड़ा चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है और अच्छी टक्कर वाली सीट मानी जा रही है, कांकेर को लेकर आपको क्या लगता है किस तरीके का, और कांकेर से लगी अगर बस्तर का भी जिक्र कर लें? देखिए, दो तीनों लगी हुई सीट में आपको बताऊंगा कि आप बस्तर ले लीजिए, आप कांकेर ले लीजिए, वही राजनांदगांव, ये तीनों सीट क्या, मैंने आपसे चर्चा के दौरान भी कहा कि ये तीनों सीट पे अगर जीत की और कैंडिडेट की जिम्मेदारी आरएसएस की है। पिछली बार भी इतने ह्यूज मार्जिन से जब लोग आ रहे थे, 4-4 लाख वोट से आ रहे थे, तो कांकेर एक ऐसी सीट थी जहां मात्र 6,000 वोट से वीरेश ठाकुर जो है वो चुनाव हारे थे, इतनी लहर के बावजूद भी, 19 में एक लहर आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने काफी मेहनत की, 20-25 साल से वो लगे हुए हैं कांग्रेस पे और लगातार प्रयास किए और सक्रिय भी रहते हैं, वही उनके इतर वो एक सक्रिय नेता के रूप में आप कांग्रेस के उनको मांग सकते हो। कांग्रेस काफी चुनौती दे रही हो, आप इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को आप वो सीट अभी आप नहीं दे सकते, हालांकि बावजूद इसके कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी आरएसएस की है, लेकिन वीरेश ठाकुर ऐसे चेहरा है, वीरेश ठाकुर जो ठाकुर है वो पहले भी चुनाव लड़े, 22 साल से लगभग मेहनत करते, तो हम लोग पर्सनली भी उनको देखते आ रहे हैं, तो उनकी भूमिका काफी जन जन तक है, एक्सेप्टेंस है, वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो उनकी अपनी एक टीआरपी है, उनके अपने एक आभा मंडल है, एक सक्रिय नेता है, तो वही इसके इतर नाग साहब की जो एक्सेप्टेंस में बोलूंगा कि उनके मुकाबले थोड़ी सी कम है। पार्टी स्तर से देखा जाए तो उनका स्तर थोड़ा सा बड़ा, पार्टी स्तर का गैप बड़ा है, लेकिन व्यक्तिगत जब आप तुलना करें दोनों ही प्रत्याशी की,
तो नाग जी के कंपेरेटिवली जो ठाकुर साहब है वो थोड़े से अपर हैंड पे दिख। बिल्कुल, मैंने भी वहाँ चुनाव के दौरान एक शो किया था, तो मुझे भी जो समझ आया मोदी वर्सेस बीरेश ठाकुर, मोदी वर्सेस बीरेश ठाकुर, क्योंकि अगर ये देखिए मोदी जी तो एक ब्रांड हो गए हैं आज, मोदी जी की वजह से ही जो भी आज परसेप्शन बना है, आप ये मान के चलिए कि मोदी वर्सेस जो है अन्य चीजें हो रही, इन्होंने इनकी स्टार जैसे बड़े बीजेपी ने बड़े स्ट्रेटेजिकली काम किया है, स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में कौन हो सकते थे, आपके सिंहदेव महाराज जो है, दूसरा भूपेश बघेल पूर्व सीएम, यही तो स्टार प्रचारक जिनके कारण भीड़ जमा होती है। अब सिंहदेव अपने मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से इस सक्रिय नहीं रह पा रहे इस चुनाव में, वही भूपेश बघेल को उन्होंने ऐसा घेरा है कि वो राइडर गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो भूपेश की अपनी छवि है वो एक काका के रूप में है, चावल जो चावल को लेकर उन्होंने बोनस को लेकर रूरल इकोनॉमी को लेकर जो काम किया उनकी अपनी छवि है, तो आप उनकी छवि को भी नकार नहीं सकते। आप छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात जो उन्होंने की तो वो मगर ये है कि उनमें बांध दिया गया, वो कहीं प्रचार के लिए जा नहीं पा रहे, तो वो भी खुल के। दूसरी चीज मैं कहूं कि अभी सशक्त भाजपा वर्सेस कुपोषित कांग्रेस, कांग्रेस बौद्धिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से अभी कुपोषित नजर आ रही है भाजपा के कंपेरेटिवली, क्यों? उसका वजह यह है कि एक साइकोलॉजिकल अभी चुनाव हारे हैं तमाम नेता अभिनेता उनके जितने ब्यूरोक्रेट सब जेल में, सारी चीजें तो 2018-19 में भी थी कि भाजपा की भी वही हालत थी, बावजूद 19 में उसने, लेकिन इतना संगठनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग है, कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहीं पे कांग्रेस जो है वो बिखरी हुई आपको नजर आएगी कि आप देखिए कभी राधिका खेड़ा का, कभी सिंहदेव और भूपेश का आपस में इनके संगठन, कांग्रेस भाजपा में संगठनात्मक रूप से इतने मजबूत है कि आप देखिए कि यहाँ कोई ज्यादा चिल्लपों वगैरह चीजें होती नहीं, संगठन रूप में ज्यादा चीजें सुनाई नहीं देगी। वही कांग्रेस बड़ी अहम बात आपने यहाँ पे कही, मैं रवि भोई जी से पूछूंगा। रवि भोई जी, उचित जी जैसा कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को भाजपा ने बांध दिया राजनांदगांव में, लेकिन भूपेश बघेल विधानसभा में तो अच्छी खासी सभाएं उन्होंने की थी। देखिए विधानसभा में वो मुख्यमंत्री के रूप से चुनाव लड़ रहे थे और नहीं, मेरे कहने का मतलब कि क्या वो प्रभाव दिखता अगर वो बाहर निकल पाते तो कुछ रिजल्ट में फर्क पड़ता? वो चुनाव नहीं लड़ते तो निश्चित तौर से पूरे सभी 11 सीटों में प्रचार करने जाते, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने सिर्फ राजनांदगांव में सेंट्रल से वहाँ पे सेंट्राइज थे, वही सुबह से निकलते थे शाम तक, वो अपने ही चुनाव प्रचार में लगे रहे। उनके सेकंड फेज में उनका इलेक्शन था, उसके बाद भले कुछ जगह गए लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए जो विधानसभा चुनाव में वो इम्पैक्ट था। निश्चित तौर से भूपेश बघेल बन गए राजनांदगांव में, और राजनांदगांव में बहुत टफ सीट था, ऐसे आसान सीट नहीं रहा जिस तरह से वहाँ पे विधानसभा चुनाव में माहौल पैदा हुआ था, जिस तरह से मुद्दे होते थे उनको सेटल करने में भूपेश बघेल को पूरी एनर्जी लगानी पड़ी, और इसलिए वो लोकसभा में राजनांदगांव से नहीं निकल पाए। बिल्कुल शशांक जी, बाकी जगह वोट प्रतिशत गिरा, वहीं छत्तीसगढ़ में पिछली बार से उठा वोट प्रतिशत, क्या ये वोट प्रतिशत कोई मैसेज देता है जो सीटों को लेकर, या सिर्फ इसे जागरूकता के तौर पे देखें? देखिए एक तो छत्तीसगढ़ में आप 2004 से देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत थोड़ा ज्यादा ही होता है, चाहे वो विधानसभा है या लोकसभा है, तो एक तो वो ट्रेंड कह सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि हमारे यहाँ जो जनजाति क्षेत्र है वहां पर वोट डालने की एक जो उनकी प्रवृत्ति है वो भी छत्तीसगढ़ के वोट प्रतिशत को ओवरऑल बढ़ाता है। लेकिन मैं भैया की बात से एक जोड़ना चाह रहा था, मैं कांकेर और बस्तर वाली बात, एक्चुअल में कांकेर में क्या हुआ, कांकेर में भाजपा ने जो रणनीति बनाई उन्हें लगा कि किस किस पॉकेट्स में हमें दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने मंतूराम पवार का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करा दिया, शिशुपाल सोरी का करवा दिया, उसके बाद फिर कोमल हुपेंडी जो आम आदमी पार्टी से 2018 में लगभग मुझे याद है कि 11,000 के आसपास उन्होंने वोट पाए थे, तो ये जो पैचेस में जहां उनको कमजोर दिखाई दिया वहां से जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, और मंतूराम पवार तो पहले भी भाजपा में रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मंतूराम पवार अंतागढ़ के एक बहुत जाने पहचाने और अच्छा चेहरा है, तो अगर इनका वोट अगर ये ट्रांसफर कराने में सफल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2019 का जो बहुत कम मार्जिन वाला जो चुनाव था वो शायद इस बार ना हो। प्रवेश भी बहुत सारा, प्रवेश उत्सव चलता रहा, हमने राम अवतार जी देखा कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के बहुत से खास खास लोग, बड़े लोग, छोटे कार्यकर्ता, प्रवेश होता रहा बीजेपी में, क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा?
अब वो आते रहे और कांग्रेस को कोसते रहे, कांग्रेस पे तमाम तरह के आरोप लगे, चंद्रशेखर शुक्ला हो या फिर राजनांदगांव की बात हो कर ले हम वहाँ पे, या फिर सिसोदिया जो थी भिलाई में उन्होंने लेटर लिख दिया। देखिए छत्तीसगढ़ का अगर अब इतिहास देख लेंगे तो दल बदलुओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलता, ये चुनाव के परिदृश्यों से दिखता है पहली बात। दूसरी बात जो है, भाजपा ने इस बार चाहे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक दल बदल कराने के लिए पूरी एक कमेटी गठित कर दी थी, और उसके तहत जो प्रभावशाली नेता थे, जो जनाधार वाले थे, जो छवि वाले, या जिनको शामिल कराने से पार्टी को फायदा हो सकता है, उन सब से संपर्क करके एक व्यापक तौर पर अभियान चला के किया है। इसका निश्चित तौर पर फायदा दो तरीके से हुआ है। पहला एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कि लोग बड़ा तेजी से कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस टूट रहा है, कांग्रेस कमजोर हो रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता जा रहे हैं, कांग्रेस में कमजोरी आ गई, तो एक जो एक चुनाव में छद्म लड़ाई जो लड़ा जाता है चुनाव के पहले कि विरोधी को मानसिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति बनाई जाए, उसमें उसके तहत उसको लाया गया था। मनोबल पे असर पड़ा है और कुछ जगहों में क्षेत्रों में भी असर पड़ेगा, क्योंकि उन जगहों के बाद में उनकी ड्यूटी भी लगाई गई, उनका काम किया गया, तो एक बड़ा मुद्दा तो रहा ही इस दौरान। और कांग्रेस इसको बोलती रही कि वॉशिंग मशीन बना हुआ है भाजपा, और अंबिकापुर के जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर तो काफी चर्चा भी हुई थी, तो एक रणनीति के तहत भाजपा ने प्रवेश कराया है। अब इसका कितना फायदा होता है और कितना आगे उनको एडजस्ट हो पाते हैं भाजपा में जाके, ये तो समय बताएगा। रवि जी, अगर हम 11 की बात करें, 4 तारीख को तो घोषणा हो जाएगी जैसे शशांक जी कह रहे हैं, लेकिन आपका अगर अनुभव या अनुमान मैं पूछूं तो क्या आपको लगता है 11 में से किस दल को कितनी मिल सकती है, या आप एज अगर देना चाहें कि इतने पे किसी पार्टी को ज़्यादा बढ़त दिख रही है? देखिए, बढ़त निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को रहेगी, और मेरा अभी तक का अनुभव रहा है जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी 11 के 11 सीट हमको दें तो हम छत्तीसगढ़ राज्य आपको देंगे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की 11 सीटें नहीं मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें कभी 9 सीट पे रही है, तो निश्चित तौर से कुछ सीटें तो कांग्रेस को मिलेगी, 1 मिलती है, 2 मिलती है, लेकिन बढ़त में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ये बढ़त 9-10 ऐसा हो सकता है? 9-10 हो सकता है। शशांक जी, आपका मैं जानना चाहूंगा क्या आंकलन है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों का अगर आप दावा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि हम भाजपा से ज़्यादा जीतेंगे, इसका मतलब है आधी सीटें तो वो पहले ही मान चुके हैं कि हम हार गए, तो अगर 11 में से 6 हार रहे मान रहे हैं तो लड़ाई हो जाती है 5 में, लगभग वही 5 सीटें हैं जिस पे अभी हम चारों ने एक एक करके जिस पे चर्चा की है। मेरा ऐसा मानना है कि लड़ाई केवल 2 ही सीट पर थी, एक जांजगीर चांपा में और दूसरा कांकेर में। दोनों जगह पे मार्जिन भी पिछले चुनाव की अपेक्षा बहुत कम मार्जिन से जीत हार हुई थी, मुझे लगता है इस बार भी मार्जिन कम रहेगी, लेकिन ये स्वर्णिम अवसर देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए 11-0 से पहली बार जीत हासिल करने का। और बहुत कंजर्वेटिव होकर अगर मैं कहूँ या कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं बहुत उदार होकर अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि 10-1 परिणाम आने आ सकता है जो पहले भी यहाँ के लोग हैं। उचित जी, आपका भी क्या आकलन? देखिए, मैं इसमें कोई फैक्ट फिगर में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि 50.8% थे पिछली बार इनको, और देश में 5वां-6वां नंबर था, वो परसेंटेज पे कहीं भी चोट मारती दिख रही है कांग्रेस, वो भाजपा के जो वोट परसेंटेज थे 50.8 उस पर कहीं कांग्रेस मार रही है चोट। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से बहुत खुश है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है मगर कांग्रेस से उम्मीद नहीं दिखती जनता को, ये मेरा मानना है। यहाँ 3 सीट तो 11 में से क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी को दिखती है, इसमें आप बिलासपुर सीट ले सकते हैं, रायगढ़ सीट ले सकते हैं, रायपुर सीट ले सकते हैं, मोटा मोटी आप दुर्ग भी ले सकते हैं, 4 सीट आप सीधा सीधा ले सकते हैं, ये भाजपा की तरफ जा सकती है। 3 सीट पे फाइट बोल सकते हैं, 3 सीट पे जिसमें आप राजनांदगांव, कोरबा और कांकेर, ये 3 सीट पे फाइट आप बोल सकते हैं। नेक टू नेक फाइट में अगर आप जाना चाहेंगे तो नेक टू नेक फाइट में कहूंगा कि एक चापा जांजगीर, दूसरा आप महासमुंद,
ये आप दो सीट बस्तर, ये दोनों तीनों सीटें हैं जहां आप नेक टू नेक फाइट, मतलब कुल मिला के आप देखें कि तीन में क्लियर कट, चार में क्लियर कट भाजपा है, तीन में फाइट है सात होगी, और चार में नेक टू नेक फाइट आप मान के चलिए, जिसमें कोरबा आता हो, चापा जाजगीर आता हो, काकेर आते हो, वहां मतलब वन साइडेड कहीं से कुछ बोल रहे। मैं ये कह रहा था भैया जो है अच्छी बात बताए कि वोट परसेंट का, मैं आपको ना एक अच्छा एनालिसिस देता हूँ। 2009, 2014, 2019 और ये तीनों चुनाव का आप एक 18-19, 13-14 और 18-19 आप इसका आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अगर 2-1.5% से बढ़त बनाती है विधानसभा में, तो उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़त बनाती है लोकसभा। आप 2018 में देखिए कि वोट प्रतिशत में बहुत 10% का अंतर आ गया था, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो 57-58% वोट लेके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीती जी। इस बार वोट परसेंट में 7% का अंतर है, 7% से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में आ गई। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो ट्रेंड है 9, 14 और 19 का, ये ट्रेंड अगर बरकरार भी रहेगा तो इस बार हर कांग्रेस से सापेक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास 7% वोट होने का, अगर मान लो कुछ उससे खरोच के निकाल भी दिया जाए, तो लोकसभा विधानसभा के मुद्दों के अंतर के कारण जो अंतर आएगा, मुझे लगता है कि कम से कम 12% का अंतर इस बार आने वाला है बीजेपी को बढ़ा दो 12%। एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये मैं मानता हूँ शशांक जी बात सही है उनका कहना, लेकिन आप देखिए कि पिछले जितने भी चुनाव लड़े कांग्रेस ने, वो कांग्रेस कभी भी 5 साल सत्ता में नहीं रही। आप देखिए 4 का चुनाव लड़ा तो 3 साल ही उनका शासन था, उसके लगातार 5 साल रमन सिंह का शासन था, लेकिन ये पहला चुनाव है जो 5 वर्ष उन्होंने कंप्लीट करने के बाद ये पहली बार लोकसभा चुनाव में। नफा नुकसान दोनों भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पब्लिक ने शासन देख लिया और हो सकता है तुलना भी कर ले। तो आप बहुत सारी इश्यूज आप राम अवतार जी के पास जाऊँ, राम अवतार जी आप क्या फिगर दे रहे हैं? देखिए, अगर जो कांग्रेस ने एक बड़ा चीज किया था कि आरक्षण का मुद्दा उठाया था जोरदार तरीके से, प्रभावी तरीके से, उसी के सहारे वो एक दो कारण से वो चुनाव लड़ी, जो दो चीज दिखी, एक तो बड़े चेहरे उतारा उतने और दूसरे आरक्षण का मुद्दा बनाया, वो चेहरे अगर चले होंगे तो 2 सीट मिल सकती है, अन्यथा 11 की 11 भाजपा को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, समय की सीमा यहाँ पर, वरना ये चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है और बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा भी है। तो एडिटर्स पोल में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज पत्रकार, दिग्गज एडिटर, उनका कई सालों का अनुभव, उनका आकलन, समीकरण, उनकी एनालिसिस, तमाम पहलुओं के आधार पर उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। 4 तारीख को घोषणा होगी, रिजल्ट कैद हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की जनता को या ऐसे लोग जो कि जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार क्या छत्तीसगढ़ के नतीजे होंगे और ये नतीजे किन कारणों से हो सकते हैं, कौन से मुद्दे थे, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर सामने आई हैं। उम्मीद है आपको भी आकलन करने में बड़ा आसानी होगी कि कौन से मुद्दे चले हैं, क्या वोट परसेंटेज है और क्या क्या मुद्दे रहे, तो आप भी शायद आकलन कर पाएँ कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का रुझान किस पार्टी की ओर दिख रहा है। बहरहाल, खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।